अरे एक ग्रुप फोटो करते हैं, ग्रुप फोटो पीछे भी आ जाओ, कम ना, यू ऑल कम यहाँ पे भी आ जाओ। प्रीति हाँ या मैं पाखी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मेरी फ्रेंड है और शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल लाइक मी। हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बट वो भोजपुरी की सुपरस्टार बनी एंड शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में करी भोजपुरी में, और आज उनका जन्मदिन है और हम उनको बर्थडे विश करने के लिए आए हैं। मैंने तो भोजपुरी सिनेमा बनाया है, लाइक हमारे बॉलीवुड में यशराज बैनर है तो भोजपुरी में तो मेरा बैनर है। तो कट्टा तनल दुपट्टा रवि किशन और पवन सिंह को लेकर बनाया है, फिर होगी प्यार की जीत खेसारी लाल के साथ, और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मेरे प्रोडक्शन ने तो, और मैंने काम भी किया है, अभी फ़िलहाल रवि के साथ भी गाना किया है। तो मैं बॉलीवुड टॉलीवुड लॉलीवुड चॉलीवुड सारे वुड में हम कौन सा वुड है जो राकेश जी ने नहीं किया? हाँ सारे वुड में मैं काम करती हूँ, हॉलीवुड बाकी है। प्रियंका गई है ना तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, वो रॉक कर रही है प्रियंका, अब मैं वहाँ पे जाकर रॉक करूँगी, मेरी असली जगह वही है एक्चुअली। डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं पाखी को लेके फिल्म, बिकॉज शी इज़ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे लगता है कि
भारत रिलीज हो गई है, आपने देखी कैसी लगी आपको, सलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओ माय गॉड, वाओ, भारत रिलीज हो गई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। एक्चुअली टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़, ईद के कारण इतनी भीड़, मैंने कैसे कैसे ब्लैक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती बट मैंने टिकट ली वहाँ कैसे कैसे फ्रेंड्स के थ्रू, बिकॉज सारे शोज बुक हो चुके थे। अमेजिंग फिल्म, मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ में बनी है, मुझे लगता है 1000 करोड़ तो ज़रूर कमाएगी। पब्लिक तो CHU है, पब्लिक का क्या है, पब्लिक को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। शाहरुख खान इतने अच्छा जीरो फिल्म बनाई, इतना अच्छा बेचारे पूरी फिल्म घुटने पे बनाई, तो नहीं 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 एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, इतना मेहनत करते हो शाहरुख, सलमान, सलमान ने तो देखो कितना बुढ़ापे का गेटअप किया एंड फिर इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, पूरा साल निकल जाता है फिल्म में और पब्लिक को पसंद नहीं आती, एक सेकंड में बोलते नहीं पसंद आई। अरे वो देखो तो इसे हमारी मेहनत है, देखो सलमान की, शाहरुख की, सबकी मेहनत है। मेरे ख्याल से भारत फिल्म जो है बजरंगी भाई जान जैसे उससे भी और बेटर है, और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो सलमान के खिलाफ जाते हैं, बढ़िया फिल्म सुपर हिट जाने वाले, सल्लू मियाँ अपन तुम्हारे साथ है। देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले ये लोग, तो अच्छा है, सिर्फ करण जौहर के शो में जाके वो हार्दिक पांड्या जो पता नहीं क्या बकवास किया था, वैसे बकवास ना करे लड़कियों के बारे में, बस आप सिर्फ देश के लिए खेले, अपने लिए खेले, exactly, अच्छी बात है। हार्दिक पांड्या कहाँ है, वेर आर यू? मेरा इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विराट है, ही इज़ द बेस्ट। या इज गुड मैन। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं कुछ नहीं, देखिए हम तो सब फ्रेंड्स हैं और अभी अंदर आपको आने तो देंगे नहीं, तो धमाल तो हम अंदर करेंगे। ओह शिट, तो आप कुछ नहीं कर सकते या क्या हुआ, हो गया सीनियर सिटीजन को, अपने देश के सीनियर सिटीजनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन जो अपनी प्रॉपर्टी होती है बच्चे बड़े होते हैं उनके नाम पे कर देते हैं, तो इसलिए अमेरिका में, लंदन में, अब्रॉड में ऐसा नहीं होता। जब प्रॉपर्टी एक बार हाथ से चली जाती है तो सीनियर सिटीजनों को कोई पूछता नहीं है, तो जब तक आपका एंड ना हो तब तक अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें। और उनके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में पूंजी जो है वो तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे बड़े हैं, पैसे नहीं है, तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो, बिकॉज आज आप अपने सीनियर सिटीजन मतलब अपने माँ बाप को या उनके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, एक दिन आप तो सीनियर सिटीजन बनोगे ना, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। सो आई लव माई पेरेंट्स, और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी सीनियर सिटीजन की रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे देश की बहू हो, वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करें। आइए 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 सर, मेरा भी होर्डिंग्स लगा दीजिए सर, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, बोलिए आप, ज़रूरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी बर्थडे, और मैडम के साथ मेरी दोस्ती कम से कम 15-20 साल से है, और आज भी मैडम के होर्डिंग्स बोलो और मुंबई में बर्थडे के लगे जो ब्राइट ने लगाए, तो मैं बर्थडे विश करने के लिए स्पेशल आया हूँ। और ये भोजपुरी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है भोजपुरी फिल्म की, मेरे तो बहुत सालों से दोस्ती है, और उनकी जो भी फिल्म आती है उसको मैं प्रमोट करता हूँ, या वो जो भी बिजनेस करते हैं उसकी पब्लिसिटी का काम ब्राइट के पास है।
या या श्योर थैंक यू सो सो मच थैंक्स अ लॉट कि आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरे बर्थडे में शरीक हो रहा है आई एम वेरी वेरी हैप्पी थैंक यू सो मच गाइस ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी माई फैमिली मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करते हैं और हर एक के लिए उनकी फैमिली मैटर करते हैं तो इट फील्स वेरी स्पेशल टू बी लव्ड एंड केयर्ड बाय योर फैमिली फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स सो योर बेस्ट फ्रेंड्स कम इन द लिस्ट सो सभी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके अराउंड 12 o'clock विश किया फेल्ट वेरी नाइस एंड लव्ड एंड केयर्ड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री में से जितने भी हमारे परिचित हैं उन्होंने सब ने मुझे कॉल किया विश किया सो सुबह से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और चल रहे हैं बहुत खुशी होती है दैट यू आर वांटेड एंड यू आर लव्ड आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ बट आई गॉट अ वेरी क्यूट गिफ्ट ऑफ अ स्मॉल पेंडेंट व्हिच वाज गिवन बाय माय फैमिली एंड इट्स लाइक with her first earning she has given so that is very special to me thank you mujhe bachpan mein bahut zyada birthday celebrate kiye hue yaad nahi hai main bahut medium class family se rahi hu to birthdays ka importance kabhi utna nahi raha hai chocolates liye bachchon mein डिस्ट्रीब्यूट किए फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बर्थडे ख़त्म हो गया ये होता था बट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है उतनी ही लोगों से आपका जुड़ाव जो एक स्पेशल नोट पे बनता है वो ऑडियंस के थ्रू और लोगों के थ्रू भी पोर्ट्रे होता है सो इट फील्स वेरी स्पेशल टू गेट लव्ड बाय एवरीवन जी नहीं और मैं चाहती भी नहीं हूँ मिले आप लोग कोशिश भी मत करिएगा या देर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन ऑल्सो आई हैव टेकन अप विथ सिंगिंग राइट नाउ सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट डूइंग माय शोज ऑल ओवर इंडिया दैट विल बी ऑन कार्ड्स प्लस देर आर सम मूवीज विच आर इन द पाइपलाइन विच विल बी ऑन हिंदी प्रोजेक्ट नोट सो बहुत जल्दी कोई एक मूवी की खबर भी आ जाएगी आप सभी को विच विल बी अ हिंदी फिल्म एंड इट हैज़ गॉट रिलेशनशिप ऑफ अ गर्ल हु इज़ अ प्रोस्टिट्यूट एंड व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू इसके बारे में वो फिल्म है और इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे जाने माने कलाकारों में से नाम जुड़े हुए हैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट I would like to make you all meet my Guruji in fact he's come here and he does more of predictions for Jai Maharashtra channel live on Jai Maharashtra so yeah
कहाँ? बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में शुरुआत की थी निरहुआ रिक्शा वाला से और बहुत बड़ी बड़ी हिट दी, वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी इंसान हैं और हमारा तो बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा, हम दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और बड़ी बड़ी हिट दी हैं, तो मेरे लिए वो कलाकार से ज़्यादा मेरी दोस्त है, मैं चाहूँगा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और आगे बढ़ती रहे। बहुत कमाल की हमारी और पाखी की बॉन्डिंग ऐसी रही है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू, हम लोगों ने बहुत सारा सिनेमा साथ में किया, हमारी हम को एक्टर से ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं और लगभग 15-20 साल से हम दोस्त हैं, तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, यही कहूँगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, पाखी जी को इस स्पेशल मौके यानी कि उनके जन्मदिन पर मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, आने वाला दिन उनके ज़िंदगी का बहुत ही यादगार दिन हो, वो जो विश चाहती हैं ऊपर वाले से उनकी सारी मुरादें पूरी हो, और क्या कहूँगी, आप सबका आशीर्वाद उसको मिले। वैसे तो हम लोग काफ़ी पार्टीज़ वगैरह में भी मिलते रहते हैं और काम भी बहुत किया है, जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं फिल्म रामपुर के लक्ष्मण कर रही थी तो पाखी जी से मुलाकात हुई थी और वो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए थे मुझे और जो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ज़िंदगी में, हर फिल्म में कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे टिप्स दिया है तो मैं उनको फॉलो भी करती हूँ और एक अच्छी वेल विशर एंड सिस्टर, मोस्ट ऑफ सिस्टर की तरह उनको मैं ट्रीट करती हूँ। थैंक यू सो मच। पाखी जी को मैं शुभकामनाएं आज के दिन यही बनती हैं कि उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की उनको बहुत बहुत बधाई हो, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे पाखी जी। और पाखी जी का मेरा रिलेशन बहुत पुराना है क्योंकि हमने 7 सहेलियां फिल्म में साथ काम किया था तो उसमें 7 हीरोइंस थी लेकिन 7ों के साथ मेरी तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन पाखी जी से वहाँ मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी उस फिल्म में, तो बहुत अच्छी है, नेचर से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है वो, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी सीनियर के पास जा रहे हैं कुछ, और बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाती हैं, तो उनका मुझे लगता है या तो इंडस्ट्री में ना जितनी भी हीरोइंस हैं उनका सबसे बहुत अच्छा टाइप है, तो ऐसे ही आप हमेशा ऐसे ही रहें और जो आपके मन में जितनी भी है वो सब आप मतलब आप बहुत आगे बढ़ें, जितनी भी आपकी विशेज है वो सब गॉड फुलफिल करें। थैंक यू। सबको लव यू भाई, सबको प्रणाम, हाय हाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई बाइट बाइट हम सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा, और आज हम लोग
बहुत ही हमारी इंडस्ट्री की जो लीजेंडरी एक्ट्रेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, द मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन, और मेरी बहुत ही करीबी, बहुत ही चाहती पाकी हेगड़े जी का जन्मदिन है आज। तो उनके इस शुभ दिन पर, उनके इस बड़े दिन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे लोग, नामी लोग, जैसा कि मैं आया हूँ, ऐसा मेरे साथ साथ और भी लोग आए हैं। काफ़ी खुशी की बात है और अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बहाने हैं, ये पार्टीज, ये फंक्शन, ये जो भी चीज़ें होती है, ये सब बहाने होते हैं। हम सभी परिवार, जो हमारा सिनेमा परिवार है, इंडस्ट्री परिवार, ये सब एक साथ होता है और सबको मिलने का, क्योंकि सब अपने अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, तो ये एक मौका होता है सबको एकजुट होने का, सबसे मिलने का। और काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं अपने सिनेमा परिवार से काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती है, बहुत खुशी होती है। और तहे दिल से हमारी पाखी जी को, हमारे इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे अजीज़ और सबसे प्रीशियस पाखी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू हर। और ऊपर वाला उन्हें, मैंने पोस्ट भी किया था कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र से बख्शे, वो ऐसे ही हमेशा अपने खूबसूरती का जलवा हमेशा बिखेर दे रहे। मैं तो चूँकि सबसे जवान लड़का मैं ही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का, द मोस्ट यंग बॉय ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा पार्टी, सबसे ज़्यादा धमाल मैं ही करता हूँ, और मैं खुद तो करता ही हूँ, साथ में जो हमारे जो कुछ लोग थक भी गए तो उनको उठा उठा के नचाता हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा कि भोजपुरी में जो लोग थोड़े ठंडे हो जाए उनको उठा के फिर से गर्म करता हूँ। तो जितने भी लोग हैं सबको आज बहुत नचाने वाला हूँ, बहुत धमाल करने वाला हूँ। जैसा कि पाखी जी खुद भी बहुत चुलबुली हैं, नटखटची हैं, तो हम दोनों का हमेशा से ट्यूनिंग रहा है, तो वो ट्यूनिंग आज फिर से पार्टीज़ में दिखने वाला है। सबको नचाने वाले हैं, बहुत धमाल करने वाले हैं, और पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर श्री प्रदीप सिंह जी हैं और डायरेक्टर श्री मंजुल ठाकुर जी हैं, उनकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है विवाह, उस फिल्म की शूटिंग हमने पूरी की है। उसमें एक बहुत ही खूबसूरती सा, कमाल सा, तड़कता फड़कता स्पेशल सॉन्ग मैंने और पाकी जी ने किया है, वो कमाल के फिल्म बनी है, कमाल का गाना पिक्चराइज हुआ है। और ये वो वैसी फिल्म है जो हम अर्बन सिनेमा की, जो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भोजपुरी में, कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्म देखें, स्टैंडर्ड फिल्म देखें, जो हम कहीं पर भी अपने पूरे परिवार के साथ किसी को भी हम दिखा सकते हैं, भारत के किसी भी इंसान को हम खड़ा करके वो फिल्म दिखा सकते हैं। वो वैसी फिल्म है जिसमें अश्लीलता ऐसा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, पूरी तरह से वो फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। विवाह, विवाह राजश्री की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, जब भी टीवी पर आता है तो हम लोग रिमोट उसे छोड़ देते हैं, वहाँ पर देखने लगते हैं वो फिल्म। तो उसी तरीके का ये फिल्म हमने बनाई है, उससे भी खूबसूरत, वैसी बिल्कुल नहीं है, उससे पूरे तरीके से अलग कहानी है, नई कहानी और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि जब भी विवाह आए तो आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और देखिए, उस फिल्म में मेरा और पाखी जी का एक अलग रोमांस नज़र आएगा। और इतनी बातों के बाद मैं मेरे फ़ायदे की बात करूँगा। 21 जून को मेरी बहुत ही खूबसूरत, कमाल और बहुत ही बड़ी फिल्म नायक रिलीज़ हो रही है, तो आप सब लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ 21 जून के नायक फिल्म देखे खातिर, जिसमें हम पावनी एक नई अदाकारा और साथ साथ बाहुबली में जो विलन रलन कालिके प्रभाकर, वो विलन उसमें मेरे साथ एक खतरनाक टकराव में दिखाई देंगे। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, 21 जून आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में नायक देखने ज़रूर जाइएगा। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू पाखी जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। फोटो अभी तो लिए कौन है? हाय, शॉर्ट में पूछेंगे यार, कैसे हैं आप लोग? बाकी में काफ़ी पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और बस उनको ये कहना चाहूँगा कि ये साल उनके लिए कामयाबी भरा रहे, खुशियों भरा रहे, एंड वट एवर शी इज़ ड्रीम सो फार शुड कम टू दिस ईयर। वेरी नाइस, क्योंकि पाकी और मैं आई थिंक विपुल के बर्थडे पे भी लास्ट टाइम मिले थे। हाँ, मेरे बर्थडे पे शरान, वी हैड अ ग्रेट फन, एंड अगेन आई जस्ट सॉ हिम, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम दैट विपुल मस्ट बी अराउंड, तो भाई साहब कहते हैं ना, थिंक अबाउट गॉड, गॉड इज हियर। नहीं नहीं, डर चलेगा मुझे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन पाकी से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी, बहुत शुरुआती दिनों की दोस्ती है, और इसलिए हम सब लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट दिनों पर कम से कम आए और अपनी शुभकामनाएं दें, हैप्पी बर्थडे बोलें और कुछ नहीं। हाँ जी, उस प्रोग्राम में क्या करते हैं सर आप? सीनियर सिटीजन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा
देखिए वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, अगर माँ बाप जो हैं वो अपना सबसे ज़्यादा सक्षम रूप जो देखते हैं वो बच्चों में देखते हैं, और हर बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उनका नाम रोशन करे, मतलब बाप को फ़ख्र होता है कि बच्चे के नाम से मुझे पुकारा जाए आगे चलकर। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे पेरेंट्स कितने भी गलत हों, लेकिन अगर आप आज सलामत हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है, मतलब अगर मेरे हाथ पैर नाक मुंह सलामत हैं, तो मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने बहुत ख्याल रखा होगा मेरा बचपन में, ताकि मैं कहीं सीढ़ी से ना गिर जाऊँ, मैं सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी के नीचे ना आ जाऊँ। उसकी खातिर भी अगर आप उनसे थोड़ा ज़्यादा प्यार कर पाएँ, सिर्फ ये सोच कर कि आपकी सलामती उनकी देन है, सिर्फ सलामती, तो भी मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि आप उनका ख्याल रखें इस उम्र में जब उनकी सलामती आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल विपुल ने जैसे कहा कि एक ड्यूटी होती है बच्चों की, जब वो छोटे होते हैं तो माँ बाप ने उंगली पकड़ के उनको स्कूल छोड़ा होता है, उनको घुमाया होता है, और जब माँ बाप की एज एक इस एज में पहुँचती है तो वो बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चों को बड़ा होकर उनको संभालना चाहिए, जो एक प्लांट उन्होंने लगाया हो तो प्लांट बड़ा उसके फल होते हैं, वैसे ही बच्चे माँ बाप का प्लांट है, जो बड़े होंगे तो माँ बाप को संभालेंगे उनकी एज के हिसाब से। तो आई थिंक उनको ये सब करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए माँ बाप। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैप्पी बर्थडे। बाकी आज पाकी का जन्मदिन है और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना पाकी को। पाकी ने तकरीबन मेरे साथ 10-12 फिल्में की हैं एज हीरोइन, एज लीड एक्ट्रेस, और पाकी बहुत सुंदर और बहुत अच्छी दिल की नेक दिल इंसान है। तो मेरी यही शुभकामना है कि ये जन्मदिन जो है वो बहुत बार मनता रहे, और बहुत सारी फिल्मों में मैं तो चाहता हूँ दोबारा उनका कमबैक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होना चाहिए। उन्होंने बीच में फिल्में करना कम कर दिया था, अभी उन्होंने विवाह में एक गाना किया है, बहुत स्पेशल सॉन्ग किया है प्रोड्यूसर के बहुत कहने के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि ये उनका जो जर्नी है सिनेमा में और जो काम अच्छा करती रही है वो कंटिन्यू रहे, और पाकी बस ऐसे ही आप बनी रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू। पाकी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड। पाकी इज़ वेरी, बहुत ही ग्राउंडेड है, जितना भी एक लेजेंड लेवल पे है फिर भी शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड शी इज़ वेरी हम्बल ऑलवेज, अ बेस्ट फ्रेंड, दैट्स इट। राइट नाउ नथिंग, विल बी रिक्रिएटिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स अगेन। वैसे ही करेंगे, जैसे अभी मेरा दिल भी कितना पागल है किया, 26 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, तो समथिंग लाइक दैट होने करेंगे। कितना समझता है मेरा दिल भी, कितना पागल है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पाकी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं तो 7 साल पहले मैंने एक पंजाबी की फ़िल्म देखी थी कुदेसन, तो मैं तो उस टाइम से उनको ढूंढ रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने CCL में जब किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने उनकी पूरी डिटेल्स जो है मेरे पास दी, सो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे पाकी, थैंक यू। पंजाब, क्योंकि वो भोजपुरी की स्टार हैं, तो मैं एक जो बहुत कल्ट फिल्म थी कुदेसन जो है, मैंने मुझे उनके डायरेक्टर ने दिखाई थी कि एक, तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन कुड़ी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर है, कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये भोजपुरी की लड़की है। तो पर मैं मेकआउट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी पंजाबी का एक्सेंट भी उनका आ रहा था, तो सो एक्टर तो एक्टर होते हैं कोई भी लैंग्वेज हो, फील तो फील होता है। एक कुड़ी कुड़ी ओ कुड़ी कुड़ी जहर दी पुड़ी सामने रहंदी ओए, सामने रहंदी ओए, मुंह कुछ ना बोल के कहंदी जान कढ लैंदी ओए।
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਕੁੜੀ 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 ਆ ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ हमने एक्चुअली स्टार्ट किया उनको घर पे सरप्राइज करके विथ यू नो गिफ्ट एंड वॉट एवर हर फेवरेट थिंग्स आर. हमने ट्राई किया कि हम उतना करें उनके लिए बिकॉज वो काफ़ी बिजी रहती है, उनको घर में टाइम मिल दे नहीं पाते वो, तो हमें लगा कि हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं. एंड आज आप लोग के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, सो वेरी हैप्पी टू डू दैट. फॉर उन्हें खाना बहुत पसंद है तो आप चटपटा खाना बनाओ, मिर्च मसाला वाला खाना बनाओ. उनके जिम ट्रेनर थक जाते हैं उनको बोल के कि खाना अच्छे से खाओ पाकी जी, बट पाकी जी नहीं सुनते हैं. पाकी को चटपटा खाना पसंद है तो घर पे बोल खुल रही है पे. घर पे सबसे ज़्यादा यू कैन से आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय डाइट एंड आई मेंटेन वेरी वेल. एंड आप लोगों ने पूछा था बेस्ट गिफ्ट क्या था, तो शी earned out of her money she gifted me for the first time a gold chain which was a very beautiful yes, gift mere liye bahut precious hai kyunki ye iski pehli kamai se usne mere liye kharida hai. To she is a blogger and she is doing really great right now on blogging, so I really wish her all the best and very soon you'll hear that she is doing movies. Okay. So we looking forward to some good projects for her. Happy birthday. Oh, so sweet. Thank you, babe. Thank you so, so much. Just one minute. Cover this. Kangna ji, wait. Yeah. Wait, complete your pictures till then. I'll just join you, baby. Ji. Yeah. When she told me about her career, she wants to start with acting as her career. मैं उतना serious नहीं थी because मुझे लगा कि हर एक का वो dream होता है. So I said, अगर 100 fans भी आप जमा कर सकते हो तो उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप acting करने लायक हो तो वो आप earn कर लो. और इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम try करो. और I was surprised that youngsters में वो काफ़ी known है और उसको अच्छे following है. इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा उसकी following है आज, because हम लोग social sites पर मैं बहुत ज़्यादा active नहीं रह पाती हूँ. And they really make it very great on screen, on social network. तो in 1 month's time she's almost crossed 115K, so that is great achievement I feel. So looking forward to good projects for her for sure.
आई थिंक मैंने एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मुझे मिला है एंड आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग आई हैव सो फार आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट्स इट I would definitely love to work on something. Abhi filhal, she was approached by one of the films right now. The talks were on. Mandakini's son was getting launched with Devanandji's grandson. But somehow she didn't like the thought, the line of the story. So she said no to that particular film. But we are really looking at good projects. Agar hum kuch kar rahe, toh I think 100% to be in it, you know, is very important. So for me, the subject and everything matters a lot. So yeah, hopefully something comes. Thank you so Thank much. You Thanks so much. A lot. Thank you. पाकी को जन्मदिन की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और शुभकामनाएं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. वो हमारी शुरुआती दौर से शायद सबसे अच्छी को एक्ट्रेस रही हैं. हम लोगों ने बहुत फिल्में साथ में किया था और हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं. पाकी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफल रहें, कुशल रहें. लव यू सो मच पाकी, हैप्पी बर्थडे. वो पहली अभिनेत्री जिनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है हमारी. हम लोगों ने मैंने बोला ना कई फिल्में साथ में किया है. हम उनको प्यार से माते भी बुलाते हैं और हम लोगों के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, शायद ऐसी केमिस्ट्री मेरी अभी तक किसी हीरोइन के साथ रही नहीं है. तो पाकी जी इसमें सबसे स्पेशल हैं और मैं भी स्पेशल हूँ आज यहाँ पर आया हूँ. बहुत रिसेंटली मैं पाकी के लिए मैंने विलेन छोड़ के अब चरित्र अभिनेता का रोल करने लगा हुआ है. तो मेरे अपोजिट पाकी जी बहुत जल्दी दिखने वाली हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार में. जल्दी बोले तो शायद एक आध दो महीने में. थैंक यू लव यू पाकी. देव जी कम. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकी जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे कमाल की अदाकारा हैं और उनको उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें. थैंक यू just wish her all the good luck and God bless her always because she is very down to earth. She is the only person in my life nowadays. She is totally grounded. She is jitne bhi words bolu utne hi kam hai party ke liye. She is very humble and very sweet person. So God bless her always and I wish her good luck, lot of money, fame and love all together. यस, पाकी के साथ जब भी हम लोग पार्टी करते हैं या फिर जब भी हम लोग मिलते हैं सो इट्स ऑलवेज फन टू बी विद हर.
एंड स्पेशली शी इज़ अ वेरी प्योर सोल. जब भी उसके साथ में हम होते हैं सब एवरीबडी इज़ जस्ट हैप्पी. लाइक हमारा सारा ग्रुप यहाँ पे खड़ा हुआ है, एवरी वन इज़ सो हैप्पी एंड उसके कंपनी इतना अच्छा एंड पॉजिटिव वाइब्स. शी इज़ रियली अमेजिंग पर्सन. सो दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट हर. Yes, better. Yes, it's my favorite song. Okay, yeah. जाने कैसी बातें तूने अखियों के डोर मन में रखी चा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरी राम नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हसी आफरी आफरी आफरी. दिस इज फॉर पाकी बिकॉज आफरीन का मतलब होता है बेहद खूबसूरत चीज़. तो ये उसके लिए. थैंक यू. आज आज साथ में कर लेंगे. मेरी फर्स्ट फिल्म में मैंने पाकी जी के साथ काम किया तो डेफिनेटली मेरी बहुत लंबी जर्नी है उनके साथ. इट्स बीन लाइक सो मेनी इयर्स विद हर. और मेरी उनके बर्थडे पे यही विश है कि वो उतने जैसे वो इतने सालों से उतनी सुंदर हैं बस इतने सुंदर आगे दिखती रहे. एंड शी इज़ वेरी हम्बल. वो बहुत अच्छे हैं. बहुत मैं मतलब लव नहीं है उनको बयान करने के. वो बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है उनका. हाँ बहुत अच्छा सोल है उनका. तो बस जैसे ही वो हैं वैसे ही रहने का उनको मैं विश करती हूँ. और भगवान उनको बहुत बहुत खुशियाँ दें, उनके परिवार में सब खुशी हो, उनका पीस हो बस. और क्या, मैं तो उनको यही विश करना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहो. और वो बहुत अच्छी सोल है, मतलब बहुत प्यारी हैं वो, इतनी केयरिंग भी है. मैंने उनके साथ VIPL किया था एकदम. हाँ शी इज़ ऑसम, मतलब एकदम किड की तरह लगती है. और उनको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जैसे मैंने बोला ना कि मेरी फर्स्ट फिल्म जब मैंने की थी भोजपुरी तो वो उसमें थे. और आई वॉज़ वेरी मच लाइक पहली फिल्म जो होती है तो आप कैसे कॉन्शियस होते हो सेट पे. तो वो आए, उन्होंने मुझे समझाया क्योंकि लैंग्वेज मेरे लिए बहुत नई थी, मुझे इस लैंग्वेज का पता नहीं था. तो उन्होंने पूरा समझाया अच्छे से और वो बहुत फ्रेंडली. हाँ सपोर्टिव हैं, फ्रेंडली है. और वो आपको बहुत चिल रखती हैं हर टाइम, चाहे वो पार्टी मूड में हो चाहे वो वर्किंग मूड में हो. हाँ शी इज़ अ सीनियर. हाँ वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा है, मतलब अलग बॉन्ड है. मैं उनको, वो मुझे बहुत मानते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. और शायद यही चीज़ है कि इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को एंड स्टिल वी आर टुगेदर. और उनका मैसेज आया कि मेरा बर्थडे है तो आई वॉज, मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ लेकिन मैंने फिर भी बोला कि डेफिनेटली आपका बर्थडे, आई डोंट वॉन्ट मिस इट. थैंक यू. थैंक यू. लाइट अप, लाइट अप. कुछ है, कोई शमा जलाएगा? देखिए अधूरा ज्ञान बहुत अच्छी बात नहीं होती है, पूरा सीखने के बाद में फिर अगले टाइम में हम लोग इसको गाएंगे. अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ. अभी हमारे लिए जसवीर जी गाएंगे. Thank you.
पाखी से शुरू से ही मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है. शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत सालों से आई थिंक निरहुआ रिक्शा वाला जो मेरी फिल्म का बहुत बड़ा एक हिट सॉन्ग था, पाखी की शुरुआती फिल्म्स में से कुछ फिल्म में से वो एक थी, तो तब से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही है और वो बॉन्डिंग कभी ख़त्म नहीं हुई है. मतलब वेदर वी हैव वर्क टुगेदर और नॉट, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कोई वाकई एक लड़कियों में मैं जिसको रियल स्टार मानती हूँ, दैट इज़ पाखी हेगड़े. आप मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा. मैं एक डांस रियलिटी शो कर रहा था, डांस संग्राम, और उसमें मैंने पहली बार पाखी जी को देखा था. उसमें गेस्ट जज आई थी वो, और मुझे विश्वास नहीं होगा कोई हीरोइन इतनी भी खूबसूरत हो सकती है पाखी जी को देख के. ये आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है आई थिंक, और मैं इतना इम्प्रेस हुआ उनको देख के कि मुझे लगा कि इनके साथ अगर दोस्ती हो सके, कुछ हो सके. और फिर आगे जाके संभावना के थ्रू मैं पाखी जी से मिला, फिर पता चला वो जितनी खूबसूरत अदाकारा हैं, जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं, उतनी खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी अंदर से भी है. सो बेसिकली शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट. और मेरी मेमोरीज़ पाखी के साथ एकाध नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं. हम लोगों ने इतने शोज साथ में किए हैं, इतने रियलिटी शो साथ में हम लोगों ने किए हैं, इतनी फिल्म साथ में करी हैं. ऑन एंड ऑफ स्क्रीन मैं ये कह सकती हूँ कि पाखी कुछ इंडस्ट्री में से बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं हमेशा, मेरी एक बहुत ख़ास तौर से बॉन्डिंग रही है, दैट इज़ पाखी हेगड़े फॉर मी. जैसे एक रिंकू घोष हैं जो अब फिल्मों में काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है. वैसे ही पाखी, चाहे वो फिल्मों में काम करें, नहीं करें, बाद में करें, अभी करें, तभी करें, वो हमेशा मेरी दोस्त रहेगी. ऐसा है पाखी के साथ. एंड वाकई शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन. जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि ये नहीं है कि आपकी सूरत अच्छी है, उसकी सीरत भी बहुत अच्छी है. वो चाहे आपसे 2 दिन बाद मिलें या फिर 2 साल के बाद मिलें, वो वैसे ही उसी एनर्जी से मिलती हैं. और आई थिंक पाखी की ये मुझे समझ नहीं आता कि एज उसकी कहाँ रुक गई है, वो बढ़ती ही नहीं आगे. वो जितनी खूबसूरत आज से मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले थी, वो उतनी खूबसूरत आज भी है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी, समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उन्हें भी मिल गया थोड़ा सा. तो पाखी की खूबसूरती को वाकई मैं कह सकती हूँ कि उसको टक्कर देना भी बहुत मुश्किल है, जो उसने अपने को मेंटेन कर रखा है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. देखिए हम तो दिखना चाहते हैं, बिल्कुल दिखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कोई होना चाहिए जो कि दोनों को एक साथ फिल्म में दिखाए. हम लोग ऐसे ही दिख जाए काफ़ी है, फिल्म में दिखने की ज़रूरत नहीं है. हमारी बॉन्डिंग ऐसे दिख जाती है लोगों को. ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बेटी हूँ मेरी बहुत ही ज़्यादा, मतलब वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड लकीली आई एम हेयर इन मुंबई, सो आई एम हेयर वेरी हैप्पी, विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे. या मतलब उनके जब भी घर जाते हैं तो शी इज़ देयर. एंड जब उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी
मतलब खाना डिनर उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया था, दैट वाज वेरी स्वीट, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो, सो या फर्स्ट मीटिंग उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही थी। वेरी लकी, वेरी लकी जो सब मेरे साथ भी अंदर आए वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों से कि जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, एंड जितने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमें प्यार मिलता है जहाँ भी जा रहे हैं। तो नो नेवर, देट वॉज वेरी रैंडम, देट वॉज वेरी रैंडम, हमने सबने ऐसे स्टार्ट किया था कि घर में फ्री थे, कुछ और था नहीं, एंड ये ऐप न्यू आई थी तो जस्ट स्टार्टेड, एंड या नाउ इट्स अ वेरी बिग थिंग, टिकटॉक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया राइट नाउ, सो या वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। म्यूजिक वीडियोज़ अभी 2-3 महीने में एक दो आ रही हैं बहुत ही अच्छे वाली, उसके बाद लेट्स सी, अभी डिग्री ख़त्म हुई है तो वेरी फ्री, सो विल वर्क ऑन इट, लॉट्स ऑफ म्यूजिक वीडियोज़, या थैंक यू सो मच। Thank you.